हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल भगेल फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गुंजन और ये है हमारा मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है सबका लंच बनाने का काम। तो यहाँ पे नाश्ता भी रेडी हो चुका है, लंच भी बन रहा है। एक तरफ दाल बनाने रख दी, एक तरफ आलू जीरा तैयार कर लिया है टिफिन में पैक करने के लिए, और चाय नाश्ता देने आई हूँ मैं रूही को। और आज इसको नहाने से पहले नहीं मिलाए, नहाने के बाद मिलाए। इसकी एक गलती, इसको थोड़ी सी भारी पड़ गई, इसलिए इसे आज नहाने के बाद नाश्ता मिलाए। और इसने ठाकुर जी को ना जगा के बिठा दिया है यहाँ पे। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ठाकुर जी सुबह सुबह, है ना। और रूही को छोड़ आए हैं महेंद्र जी और नहा धो के पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं, और ठाकुर जी को नहला के बैठाएंगे, फिर पूजा वूजा करेंगे। और दूसरी तरफ मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, उनका लंच बनाऊंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कौन बना रहा है, तो वीडियो बना रहा है मयंक। आज वीडियो बनाने की जिम्मेदारी सुबह सुबह मयंक ने उठाई है, क्योंकि मयंक की थी छुट्टी और मैं काम में थी थोड़ी सी बिजी। तो यहाँ पे देख लो आप, मैं लंच बना रही हूँ और मयंक वीडियो बना रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आके मेरी वीडियो क्यों बना रहा है, बाहर जाके देख ले कुछ क्या हो रहा है। तो कह रहा था हल्की हल्की बारिश हो रही है मम्मा। तो मैंने कहा तो फिर बारिश की वीडियो बना के ले आ, मेरे व्लॉग में जान आ जाएगी। तो कह रहा था आपसे अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा, देख ले ना, सब तारीफ करेंगे। गाइस बारिश हुई थी अभी, देख सकते हो गीला पड़ा है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पूरा रोड गीला हो चुका है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है, पूरी छत गीली पड़ी है। मैं यहाँ पर मज़े कर रहा हूँ गाइस, बारिश में मज़े आ रहे हैं, यहाँ पर ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अभी बारी है हमारे नाश्ता करने की। सारा काम वाम करने के बाद मयंक भी नहा के आ चुका है, मैं नाश्ता ले आई हूँ। तो कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा रेडी तो हो जाने दो मम्मा, तभी तो मैं नाश्ता करूँगा। मैंने कहा आज कपड़े क्या पहन रखे हैं तूने? तो कह रहा था देखो पूरा ब्लैक ब्लैक बन के आया हूँ, नेरूटो की मैंने टी शर्ट पहनी है, कितनी अच्छी लग रही है, और आपके कैमरे पे तो और अच्छा आ रहा होगा इसका। तो मैंने कहा हाँ अच्छा तो लग रहा है। तो मैंने कहा लाइट जला दे थोड़ा सा, फेस भी क्लियर दिखे। तो फिर उसने लाइट जलाई। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी एकदम नहा धो के तैयार बैठे हैं, अपना भोग प्रसाद ले रहे हैं। तो हमारा सारा काम हो चुका है और टाइम हो चुका है रूही को लाने का। तो उसे लेने मैं नहीं जाऊंगी, कौन जाएगा वो मैं दिखाती हूँ। ये जाएगा कुंभकर्ण। ए कुंभकर्ण, बहाने बना के लेटा हुआ है इसने, अभी आंखें बंद की है, कितना नौटंकी है ये। बहाने बना के लेटा हुआ था, रूही को लेने जा रहा है। सारा काम हमारा हो चुका है। तो आज क्या नया होगा ब्लॉग में वो तो हम थोड़ी देर में बताएंगे ही। उससे पहले बता दें एक कमेंट आया था, कमेंट ये था कि आप घर ही घर में व्लॉग बनाते हो, बाहर नहीं जाते। तो बहन तुझे मेरा उत्तर ये है, आंसर ये है कि बाहर जाने के लिए समय और पैसा दोनों होने चाहिए। समय तो है हमारे पास, पैसा नहीं है, ऐसा भिजवा दे हम बाहर भी घूम लेंगे। तू जैसा चाहती है ना वैसा व्लॉग बना के दे देंगे, तुझे और भी ब्लॉगर मिल जाएंगे, है ना, YT पे जो पैसा खर्चते हैं बाहर घूमते हैं, तो उनके ब्लॉग देखना बहन जाके। तुझे कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, इसीलिए तू यहाँ पे आती है ना। सच है ना बात, है ना बहन, सच है ना बात। लेकिन सिर्फ एक ही बात गलत है यार, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है पैसा भी आने लगेगा तब हम बाहर जाया करेंगे, तब हम दिखाया करेंगे, है ना। अभी ऐसे ही इंजॉय कर लो, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। इस बहन को कोई हेट मत देना, वैसे भी गिने चुने कमेंट आते हैं मेरे पास, और ऐसे लोग जो होते हैं ना जो इस तरीके के कमेंट करके जाते हैं, तो इनको तो स्पेशल थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये ना पूरी वीडियो देखते हैं कि हमें कहाँ कमी निकालनी है। तो सबसे अच्छा खासा टाइम तो हमें ये देते हैं, तो इनको तो स्पेशल थैंक यू बोलना चाहिए। इतने अच्छे तो हमें हमारे सब्सक्राइबर नहीं मिलते, वो भी स्किप कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन जब ऐसे कमेंट आते हैं तो सोचो वो लोग कितना टाइम देते हैं हमें, है ना। तो यही मेरा सीधा साधा आंसर है बहन तेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मेरे पास शब्द ही नहीं है। फ्रेंड्स मेरा ना खिचड़ी खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी अभी दिन में,
और फिर मैंने बच्चों को भी खिला दी। उसके बाद मैंने सोचा भी मैं थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेती हूँ फिर खाऊंगी, और ये ना ऐसे जम गई। फिर मैं चमचे से ऐसे निकाल के लाई तो आइसक्रीम की तरह निकली है, जैसे आइसक्रीम से निकलती है ना वैसे, और दही के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये सादा खिचड़ी बनाई है, मसाले वाली नहीं बनाई है, तो इसका जो टेस्ट है ना खा के बताती हूँ, भी यम्मी है। और यहाँ पे हो चुका है शाम का वक्त। आप देख रहे हो कि मैं इस तरीके से मुंह बना के बैठी हुई हूँ, सैड जैसा मुंह, सैड हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बच्चों को समझाया था, उधम कर रहे थे कि समझ जाओ भाई, बात मान जाओ, ऐसे उधम मत करो, थोड़ा शोर कम करो, तो नहीं माने थे। तो मैंने एक कस के डांट लगा दी, इतनी कस के लगा दी कि मयंक तो थोड़ा सा ना मेरे से रूठ गया है, समझ लो मुँह फुला लिया है उसने मेरे से, क्योंकि टीनेज में है वो, मैं उसको नहीं समझ पाती कभी कभी, वो मेरी बातों को नहीं समझ पाता। और हम बच्चों को समझाते हैं जब टीनेज में, तो बच्चों को लगता है कि हमें डांट रहे हैं, तो वो समझते नहीं हैं। तो फिर इसी वजह से मेरे को गुस्सा आ गई, तो मैंने ज़ोर से डांट दिया, इन्हें शाम का नाश्ता दे दिया है दोनों को। रूही तो फिर भी मान गई है, लेकिन मयंक अभी भी रूठा हुआ है। और मैंने सोचा अब क्या ही करूँ क्या ही करूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं छत पे आई ये सोचने के लिए कि ऐसा क्या करना चाहिए मेरे को कि दोनों मान जाएं, खुश हो जाएं, और जो मैंने इन्हें समझाया है उस बात को अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि टीनेज में ना बच्चा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हमें क्यों डांट पड़ रही है, हम भी तो सही हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं कहा, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना, चेंजेस आते हैं। और हम कुछ समझाते हैं तो उन्हें उतनी जल्दी समझ में नहीं आता, तो मुझे लगा कि इन्हें पहले एक बार मनाना ज़रूरी है। मैंने दिखाया कि बच्चों में डांट लग गई और वो थोड़ी सी नाराज़ हैं, तो उनको खुश करने के लिए अभी रूही आ रही थी, फिर मैंने ऐसे देखा ना उसे तो चली गई, ये सोच के कि मम्मी कुछ वीडियो में बता रही है शायद से, और मैं चाहती नहीं थी कि उसे अभी पता चले। तो मैंने डिसाइड किया है कि उनके लिए एक अच्छी सी मूवी सेलेक्ट करके रखूँगी, उन्हें दिखाऊँगी ताकि उनका मूड जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए दोनों का। और तब तक मैं जल्दी से काम कर देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया, शाम के 6 बज गए हैं और मौसम भी ना बारिश का हो गया। मैंने दिखाया था अभी छत पर जाके हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मैं पंखे के नीचे ही खड़ी हूँ, पंखे की तो बहुत आवाज़ आ रही होगी मैं तो भूल ही गई थी, है ना। तो अब थोड़ा साइड में आ गई हूँ, तो मूवी सिलेक्ट करके रख ली है मैंने, और मैं जल्दी से ना काम कर लेती हूँ। थोड़े से बर्तन हैं, बनाना तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सुबह की दाल बची है थोड़ी सी, और दोपहर को खिचड़ी बनाई थी वो बची है थोड़ी सी, तो मैं सोच रही हूँ पनीर रखा है थोड़ा सा, तो उसे ही बना देती हूँ। थोड़ा सा इन द सेंस मतलब बच्चों के लिए लाए थे सुबह खाने के लिए, क्योंकि फ्रूट नहीं लाए थे तो पनीर ले आए थे, वो पनीर उन दोनों ने किसी ने नहीं खाया दिन में, स्कूल से आके रूही ने नहीं खाया, मैं इनकी तो छुट्टी थी, तो अब सोच रही हूँ उनके लिए ग्रेवी वाला पनीर बना दूँ, वो थोड़ा सा है तो उसे ही बना देती हूँ। और जल्दी से कुछ रोटियाँ डाल लेती हूँ, सेक लेती हूँ, डाल लेती हूँ क्या होता है, सेक लेती हूँ, ठीक है। और थोड़े से बर्तन उन्हें साफ़ कर लेती हूँ, और फिर इन्हें एक अच्छी सी मूवी दिखाती हूँ, उनका माइंड फ्रेश करती हूँ, मैं मतलब मूड बनाती हूँ, थोड़ा सा सैड हो गया ना इन्हें थोड़ा सा खुश करती हूँ, है ना। आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि कौन सी मूवी दिखा रही हूँ मैं इनको, ठीक है। फ्रेंड्स, दूध तो यहाँ गर्म हो गया है, और मैं बनाने वाली थी मतलब सादा खिचड़ी को मसाले वाली खिचड़ी में कन्वर्ट करने वाली थी, बनाने वाली थी उसको मसालेवार, और पनीर बनाने वाली थी मैं, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी वरना बेकार जाएगा, क्योंकि दीदी ने भेज दिए हैं गरम गरम कचौड़ियाँ, तो और ये भेज दिया है आलू चने, ये तो रूही के लिए भेजे स्पेशली, और कचौड़ियाँ भेज दी बहुत सारी, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर बिगड़ेगा ही। इवनिंग टाइम है, अगर मॉर्निंग होती तो बना भी लेते, काम में आ जाता। तो अभी मैं उस मसाले वाली खिचड़ी को रेडी कर लेती हूँ, और थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, अगर किसी को रोटियाँ खानी होंगी तो रोटियाँ भी सेक लूँगी, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि मुझे अब रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए डिनर लगा दिया है, ये है खिचड़ी, कचौड़ी और आलू चने, अभी मैंने थोड़ा ही दिया है, अगर और लगेगा इनको तो दोबारा मैं ले लेंगे ये। और इनके लिए चला दिए एक अच्छी सी हॉलीवुड मूवी इन डब्ड हिंदी,
तो यहाँ पे ये दोनों खुश हो गए क्योंकि इससे पहले इन्होंने ये मूवी देखी नहीं थी और ये अलग मूवी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो इन दोनों को ना देख के मज़ा आ गया और खाने पीने के बाद, मूवी देखने के बाद बोले, भाई मम्मा आपने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोची, अगर हमें रोज़ डांट मिलेगी तो हम, और हमें ऐसी मूवी देखने को मिलेगी तो हम रोज़ डांट खाने को रेडी हैं और जानबूझ के डांट खाने को रेडी हैं। तो मुझे लगा चलो अब तो बच्चे मान गए हैं, अब इन्हें और अच्छे से प्यार से समझा सकती हूँ मैं। उस टाइम पे मुझे गुस्सा आ गया था, ठीक है, लेकिन अब ये मान गए हैं तो हो सकता है अच्छा मूड है, मेरी बात इनके समझ में आ जाए। इस वीडियो का एंड हम यहीं पे कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।